क्योंकि मैं पत्रकार हूं तो मेरा काम है वीडियो रिकॉर्ड करना। लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ अनुभव अपने लोगों के साथ शेयर करूं। चलिए, ये मेरी अपनी निजी राय है, आप इससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। आरएसएस टाइप मत बनिया कि जो कह रहा हूं वही मानो, मानना पीछे ऐसा नहीं, सबकी अपनी अपनी राय है। आप बिल्कुल सहमत होइए, असहमत होइए, सबकी सुनिए। लेकिन ये जो सामने बैठा हुआ है, जो लोग बैठे हैं, उनके पेशेंस को मत टेस्ट कीजिए। या तो पहले अपना काम निपटा लीजिए, बाद में निपटाइए। वो आए हैं सुनने के लिए, और तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मजदूरी वाला मामला है, राष्ट्रीय समग्र विकास, बेरोजगार। मुझे बिल्कुल नहीं बताया गया था कि क्या मामला है। मुझे लगा था मुझे रिकॉर्डिंग करने के लिए बुलाया जा रहा है, उसके बाद पता चला। मुझे पता होता तो मैं पहले आता, और कि चूंकि मेरे कंटेंट था या काम की चीजें थी, मैं लोगों का भाषण रिकॉर्ड करता हूँ, उन्हीं से कुछ सीखता हूँ। आज की खबर बता रहा हूँ आप लोगों को। 13 पोस्ट था बैरे का, खाना परोसने वाले का, क्योंकि मामला बेरोजगारी पर है तो उसी पर रहूंगा। 7,000 लोगों ने अप्लाई किया है और सब के सब ग्रेजुएट हैं, तो बेरोजगारी का ये आलम है। लेकिन आपको पता है ये 7,000 ग्रेजुएट लोग कौन है? ये SC ST OBC माइनॉरिटी नहीं है, ये साहेब लोग हैं, ठाकुर साहब लोग हैं, बाबू साहब लोग हैं। हमारे लोग अभी ग्रेजुएट होके और गिट्टी छर सीमेंट सड़क बना रहे हैं, बिल्डिंगों में काम कर रहे हैं, वो अभी बैरी की नौकरी के लायक उनको नहीं समझा जा रहा है। क्योंकि नौकरी जो मिलेगी वो नौकरी देने वाला अपनी सेटिंग से देता है, ये मेरा एक्सपीरियंस भी, और मैं जानता हूं। तो बेरोजगारी का ये आलम है, तो किया क्या जाए? इस देश में जितनी नौकरियां हैं वो सिर्फ एक जाति चाहे तो भर सकता है, वो सिर्फ ब्राह्मण। 3% के करीब उनकी आबादी है, सारा क्रीमी लेयर पोस्ट वो भरे हुए हैं, और बाकी स्वीपर वाला नौकरी वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में जहर ढाल दिया गया है कि स्वीपर वाला काम हमारे हिस्से का है, बाकी उनसे पैसा वसूलवा लीजिए। सुलर इंटरनेशनल में पैसा वसूल लेंगे, सफाई नहीं करेंगे। तो बड़ा मुद्दा है कि हमारे युवा करे क्या। जय भीम करने के लिए, सड़कों पर आंदोलन करने के लिए पेट भरा होना चाहिए। ये पता नहीं किसने कहा था, और जिसने भी कहा था कि सच कहा था कि भूखे पेट तो भजन नहीं होता है। लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को देखिए, वो भूखे पेट मंदिर में लाइन लगाए हुए हैं। अद्भुत है ये, मतलब कैसे संभव है? मैं तो नहीं जा सकता भूखे मंदिर में या तीर्थ पर या कुंभ नहाने। हमारे लोग सूखी रोटी सब्जी भूखे चल के ट्रेन के जनरल बोगी में बैठ के वो कुंभ नहाने जा रहा है, अद्भुत है। इसका मतलब ये कहावत किसी ने झूठ फैलाया है। तो आखिर बदला कैसे जाए, नौकरियां कहां से आए, हमारे लोग क्या करें? हमारे पास जाति की वजह से जमीन नहीं है, हमारे पास शहरीकरण हमारा नहीं हुआ। हम रविदास साहब को माने नहीं जिन्होंने कहा था बेगमपुर बसो, शहरीकरण नहीं हुआ। बाबा साहेब बिजनेस हमारा नहीं था, जाति की वजह से हमें बिजनेस करने नहीं दिया गया। अगर 2-5 मिनट लूंगा आप लोग का, ज्यादा नहीं, मैं आप ही लोगों से सोल्यूशन चाहता हूं। जमीन नहीं थी जाति की वजह से, बिजनेस हमें करने नहीं दिया गया जाति की वजह से। सरकारी नौकरी में बाबा साहब ने जब आजादी के बाद हमें थोड़ा बहुत अधिकार दिलाया और संजोग से अंग्रेज आए तो हमें नौकरियां मिली है। नौकरियों में आप सब बेहतर जानते हैं, अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, तो नौकरी पा लेना आसान है, नौकरी पूरा कर लेना साहब बहुत मुश्किल है। मुझे पता है कैसे टॉर्चर किया जाता है, कैसे जलील किया जाता है, और कैसे डराया जाता है, और हम डरते भी हैं। एक ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि बहुसंख्यक हम ही बेरोजगार हैं। पता है आप लोग, मैं कभी स्कूल कॉलेज गया नहीं जा रहा, बिहार से हूं, चोरी से 10+2 किया, मैट्रिक किया, ग्रेजुएशन किया, और सीधे JNU में गिरा। तो हाँ, चोरी से, ये सच है। और इस वजह से मैं न तो मुझे टीचरों से संगत करने की कोशिश करनी पड़ी, न मुझे डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनना था, तो मेरे अंदर डर भी नहीं था। मैंने जिस तरह की पढ़ाई की थी, जिस स्तर की, मैं गैंगमैन बन सकता था। गैंगमैन जानते हैं आप लोग, पत्थर टारने वाला, या बैंक में चपरासी हो सकता था, पानी पिलाने वाला। लेकिन जब मैंने इसी दिल्ली के शालीमार बाग में फैक्ट्री में काम किया, जब मैं तिरुपुर, जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, वहां कपड़े की फैक्ट्री में काम किया, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं बाकी जिंदगी सड़कों पर गुजारूंगा। लेकिन जिस तरह के दुर्म दर्जे का एक काम है, और जिस तरह का व्यवहार होता है इस देश में कर्मचारियों के साथ, मैं वो नहीं करूंगा। और संजोग है, दुर्भाग्य है,
कि ये सब के सब मजदूर जो है इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, क्योंकि आपकी संख्या 85% है, आपके घर में खाना नहीं है तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार है और मजबूरी है। एक तो वो मजदूरी जो हमें पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, स्कूल कॉलेज नहीं जाने दिया गया, एक दूसरी तरह की मजदूरी है। मैं देखता हूँ बाबा साहब की वजह से जो हमारे बाप दादा उनके दादा मजदूर से क्लर्क बन पाए हैं, चपरासी बन पाए हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पता है ये यूनिवर्सिटी में कॉलेज में बैठा हुआ बेईमान लोग क्या कहता है, अच्छा दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, बीए कर लिए हो तो बीए करके प्राइमरी स्कूल का टीचर बन जाओ, एमएड क्यों करना है, एमफिल क्यों करना है, पीएचडी क्यों करना है, उसको प्रॉब्लम है आपके मजदूर होने से नहीं, आपके अधिकारी होने से। लेकिन समस्या इससे आगे बढ़ गई है, अब हमारे लोग कुछ बोलने भी लगे हैं, सोशल मीडिया भी है, तो नौकरी कहां से आएगी? एक बड़ा सेक्टर है जो पूरी तरह से खाली है, जहां हम जा नहीं पा रहे हैं। और पूरी दुनिया में शोषण दो आधार से हुआ था, भारत में जाति के आधार पे और पूरे यूरोप में, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में रंग के आधार पे। वहां के लोगों ने उन जगहों पर जगह बनाई है स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, तमाम वो मतलब लंदन में तो पैकेट भी बढ़िया करीने से काटते हैं लोग, और उन्होंने बॉडी बिल्डर बने हैं वो, ओलंपिक में सबसे ज्यादा अमेरिका के लिए गोल्ड मेडल अश्विन जीतते हैं। मुझे लगता है कि आप तमाम लोग, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं, आप सब लोग सीनियर हैं, बड़े ओहदों पर हैं, मुझे पता है यहाँ आईएएस आईपीएस लोग हैं तमाम लोग, प्लीज आप लोग अपने बच्चों को ना इस सेक्टर में डालिए। मुझे चाहिए डायरेक्टर फिल्म बनाने वाला, वो बाजीराव मस्तानी बना देता है, वो सास बहु शादी जय संतोषी माँ बना के अपने एजेंडे को थोपता है। हमें कुछ चाहिए ऐसे मैनिपुलेटर लोग, और हम लोग तो झूठ बोलने वाले भी नहीं है, हमारे साथ तो इतिहास है, फुले, पेरियार, रविदास, कबीर, बाबा साहब अम्बेडकर, सावित्री बाई फुले, इन सबकी फिल्में बन सकती है, बायोपिक बन सकती है, टीवी सीरियल बन सकता है। और सच मानिए उधर पैसा भी है, ऐसा नहीं है, दर्शक भी हम ही है, हमारे लोग आएंगे मूवी देखने, हमारे लोग आएंगे फिल्म देखने, बस हमें कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो मजदूर तो बनने के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत है नहीं, लेबर चौक पे बैठ जाइए आप मजदूर बन जाते हैं। और मजदूरों की इतनी बड़ी समस्या है, मुझे ताज्जुब होता है कि इस देश का सवर्ण, मैं जिस जिले में पैदा हुआ वहां लोग 12 साल की उम्र में कट्टा पहुंचते हैं, पूरा दियरा का क्षेत्र है, किडनैपिंग उद्योग होता है वहां, किसी को किडनैप करके लाओ, गन्ने के खेत में डाल दो और ऐस करो, 5 लाख रुपया मिल जाएगा। और पता है सब कौन करता है? सबके सब सवर्ण, उनके बच्चे, उनका बाप उनको प्रोत्साहित करता है, अच्छा मार के आयो, बढ़िया है। हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो कहता था अच्छा तुमने हरा दिया, कल तुमको फिर खेलना होगा, गाली देता था, और अगर हार गए तो और गाली देता था, लो हरा दिए तुमको। तो मैं चोर बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमें अपने बच्चों को तब्बू भी नहीं बनाना है। आप बताइए इस देश में जितने बड़े गैंगस्टर हैं वो सब किस जाति से आता है, और पता है क्यों? क्योंकि उसको सिस्टम सपोर्ट करता है। मैं लास्ट लाइन आऊंगा बिजनेस पर, और वो बिल्कुल कहानी फैला रखी इस देश में लोगों ने कि अंबानी अडानी पेट्रोल बेच के और कलम बेच के बिजनेसमैन हो गया, सब झूठ है, सिस्टम सपोर्ट करता है उनको। सिस्टम मतलब मंत्रालय, सरकार, कॉर्पोरेट सपोर्ट करता है उनको। 5 लाख रुपए पर अमित शाह का बेटा 50 लाख से 80 करोड़ का मालिक बन गया, सिस्टम सपोर्ट करता है 50,000 से, बताइए 50,000 से 80 करोड़ का बन जा रहा है। तो हमें आप सब लोग के सामने ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं पत्रकार के तौर पे, मैंने ये छोटी कंपनी हमारी में सदस्य चल रही है, लोग चला रहे हैं, और जितनी हमारे पास संसाधन है, व्यूअरशिप है, लोग हैं, हम लोग कोशिश करें तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है बिजनेस में एक पीढ़ी तो खपती ही है, अगली पीढ़ी ऐसे करती है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो अभिषेक बच्चन हो, अजय देवगन हो, सबका देखिए ना, सबका बाप एक्टर था, हीरो था, सब डायनेस्टी को ही आगे बना रहा है, नए लोग कितने आ रहे हैं, बिजनेस में भी वही हालत है। तो हमारे एक जनरेशन को अगर हमारे घर में खाना है दो वक्त का, तो हमें नए रिस्क लेने चाहिए, और मजदूर बन के मुझे जीना पसंद नहीं है, क्या करेंगे, जी के लड़ेंगे भिड़ेंगे, और मतलब स्वर्ग वर्ग तो जाना नहीं है, जो है सो यही है। तो मजदूरों की हालत तो आप लोग देख ही रहे, हम लोग भी अपने घर में वही सुलूक करते हैं, सफाई वाली से,
खाना बनाने वाली से, वो सब हमारे लोग हैं श्रेष्ठी, सबसे ज्यादा नैतिकता की उम्मीद उन्हीं से करते हैं। तो इसको बदलना पड़ेगा। और आप लोग अगर अपने अपने आराम को, जो हमारा ऐसा है, मैं भी उसी श्रेणी में हूँ, तो उसमें से निकलना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि हमारे लोग जो मजदूर हैं वो तभी बदलेगी, एजुकेशन वाला मामला भी उन लोगों ने सेट कर दिया है। स्कूल का हालत आप लोग जान ही रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकारी स्कूल जरूरी है, उसी से हमारे लोग आ रहे हैं। लेकिन जो लोग सफल हैं आर्थिक रूप से, सरकारी नौकरी मैं बुरा नहीं मानता हूँ, सरकारी नौकरी हमारे लोग मेहनत करते हैं, अपने ताकत से लेते हैं, मेहनत से लेते हैं, और वो अच्छा कर भी रहे हैं। और इस देश में अगर एससी एसटी ओबीसी के लोग सरकारी विभाग में नहीं होते तो सब बंद हो गया होता। सारा बड़ा चोर वही है, माल्या, मोदी, दुनिया। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों को क्या लगता है, जो देश में अभी लोग सिस्टम चला रहे हैं वो सब ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं क्या? उनके पर लगे हैं सब हमारे आप जैसे लोग थे जिन्होंने मानसिक मजबूती की वजह से सड़कों पर स्ट्रगल किया। मंडल कमीशन के समय नरेंद्र मोदी ब्लेड चलाते थे, मैं एकदम तथ्य के साथ कह रहा हूं। गुजरात में नरेंद्र मोदी, मंडल कमीशन जब लागू हुआ था तो वो मुसलमानों को सर्जिकल ब्लेड से ब्लेड मारता था। जब आडवाणी की रथ यात्रा निकल रही थी, ये शख्स मतलब आडवाणी की माइक लेते हुए तस्वीर भी है, 25 साल उसने ट्रेनों में धक्का खाए हैं, देखिए प्राइम मिनिस्टर बन गए, वारे न्यारे कर दिए। अगर हमारे घर में 3 बच्चे हैं और हमारा रोजी रोटी चल रहा है तो एक बच्चे को घर से निकलने दीजिए, कहिए मुंबई घूमो, अमेरिका घूमो, लंदन घूमो, सड़कों पर घूमो, कुछ तो ट्राई करो अलग तरीके का, करना पड़ेगा, ये डर निकालना पड़ेगा। और बेरोजगारी जो है इस देश में, बेरोजगारी का ये आलम है कि जो बेईमान लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं उनके बच्चों के लिए नौकरी नहीं, हमें कौन देगा? अभी 10% सवर्णों का आरक्षण लागू हुआ है ना, आपको क्या लगता है इसमें ईमानदारी से भर्ती हो जाएगी? मैं खुश हूं, अच्छा हुआ है, जो लोग हमें आरक्षण वाले कह रहे थे और कान में बुदबुद आते थे, अरे ये आरक्षण वाला है, अब नहीं बुदबुद आएगा, वो भी आरक्षण वाला है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि नौकरी देने वाला तो एक ही जाति है, पंडित जी, सारे पोस्ट पर यूपीएससी से लेके इंटरव्यू जो भी होता है सब वही बैठा हुआ है। अब जाट, मराठा, वो चले गए अस्पताल वाली, मैं उन्हीं को सुनाना चाहता था, जाट, मराठा और पटेल, इन तीनों, ये 3 गरीब रहेगा और ब्राह्मण भी गरीब रहेगा, लाइन लगेगी, तो पंडित जी कौन गरीब को बुलाएगा? जाट वाला गरीब को बुलाएगा कि जाट मराठा को बुलाएगा? वो जाट वाले गरीब को बुलाएगा, तब उन लोगों को लगेगा कि भैया शोषण कैसे होता है, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अच्छा हुआ है, इन लोगों को आने दीजिए आरक्षण में। बहुत गाली देते थे लोग। और लास्ट बात मैं कह रहा हूं, इस देश में पहले राजा महाराजा होते थे, बाबा साहब के बारे में कल्पना करके डर जाता हूं कि कितना आत्मसंयम रहा होगा उनके अंदर, कितने मजबूत आदमी थे वो, आप कल्पना कीजिए, अगर वो नहीं होते तो हम कहां होते? गटर में भी हमारी औकात नहीं थी साफ करने की, गटर साफ करते भी कुछ हमको मार के चला जाता था। और उन्होंने अगर हमें बोंद की ताकत दी है और अगर हमने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो तय मानिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों के साथ कुछ नहीं मिलने वाला है। मैंने एक फुल फ्लेज सरकार देखी है, मैं चूंकि 3 टर्म मैंने लालू यादव का भी सरकार देखी है बिहार में, मैं बिहार में था, मायावती जी की एक फुल फ्लेज सरकार देखी है, करुणानिधि का थोड़ा बहुत मैंने स्टडी किया है। आप तय मानिए, जब तक आपकी सत्ता नहीं होगी आप ना तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं, ना बढ़िया वकील बन सकते हैं। आईएएस लोगों को पता होगा सेक्रेटरी बनने के लिए कितनी मगजमारी है, पत्रकार बनने वाले को भी मैं जानता हूँ पत्रकारिता कितनी चापलूसी करनी पड़ती है, आपका मंत्री एमपी नहीं रहेगा तो आप ठक ठोकर खाते रहेंगे। तो पूरा देश ये सिस्टम से चलता है, इन लोगों ने ऐसा सिस्टम बना रखा है, चोर चोर मौसेरे भाई, हम लोगों से सीखना पड़ेगा, हमारे नेताओं को सीखना पड़ेगा। और 5 साल में मायावती ने काम किया था, बहुत लोगों को मैं गवाह जानता हूं, बाकी ना वो सब चलेगा एजेंडा उजेंडा क्या, मैं सिर्फ एज ए चीफ मिनिस्टर कह रहा हूं, जो उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने अफसरों को प्रमोट किया था, उस तरह की और बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन वो चीफ मिनिस्टर चाहे करुणानिधि हो, लालू यादव हो या मायावती हो, जब तक आपके अपने लीडरशिप वाली सरकार नहीं होगी आप लोग सॉलिसिटर जनरल नहीं बन पाएंगे, आप ब्यूरोक्रेट्स नहीं बन पाएंगे,
आप आईएएस बन रहे हैं, आप घिस जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और सरकार तो हम बना ही सकते हैं क्योंकि हमारे पास वोट है, ताकत है, संख्या हमारी ज्यादा है। अब एक और बात जो तमाम लोग कहते हैं, यार हमारे नेता एक नहीं हो रहे हैं, हमारे नेता एक नहीं हो रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, इस देश में चार पार्टी को छोड़ दीजिए, लालू यादव, मायावती, अखिलेश और करुणानिधि, बाकी सारी पार्टी सवर्णों की है। ममता बनर्जी हो, असम गण परिषद हो, टीडीपी हो, वाईएसआर हो, या नवीन पटनायक हो, जिनका लोग नाम नहीं लेते हैं, ये सब सवर्णों की पार्टी है। और क्या लगता है आपको, सवर्ण को वोट देते हैं क्या? इस देश का सारा सवर्ण कांग्रेस को भी वोट नहीं देता है, सिर्फ बीजेपी को वोट करता है। इसका मतलब वो समाज एकजुट है। हमारी 1000 पार्टी खुल जाए, 1000 नेता, से क्या मतलब है? हम एक जगह वोट देंगे जो जीतने वाली होगी। जो कहते हैं अपने ही लोग की टांग खींचना, अपने ही लोग की आलोचना करना और अपने ही लोग की बुराई करना, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, ये पिछड़े लोग का स्वभाव है। और वो लोग पिछड़ा नहीं है, वो स्ट्रेटेजिकली बहुत मजबूत आदमी है, उसकी दर्जनों पार्टियां हैं, वो एक पार्टी को वोट करता है। और इस देश में जितनी बाकी दूसरी पार्टियां हैं वो सब एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग अपने वोट से चला रहे हैं। ममता बनर्जी को भी हम ही वोट देते हैं, अरविंद केजरीवाल को भी हम ही वोट देते हैं, नवीन पटनायक को भी हम ही वोट देते हैं, और हमारा न तो चीफ मिनिस्टर है न राज्यपाल है। अब बताइए जितने लोग हमारे सांसद बने हुए हैं, राज्यसभा में कितने दलित सांसद हैं, ओबीसी है, पता कीजिए जरा, वहां तो रिजर्वेशन नहीं है। अगर ये रिजर्वेशन बाबा साहब ने नहीं दिया होता तो ये लोग एक लोग सांसद नहीं पहुंच पाता हमारा। ये तो ये पूरा खेल समझिए। और उसमें सबसे बड़ा जो टूल है वो दो टूल है, एक बिजनेस और दूसरा मीडिया। पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन को लेकर आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा जिनके हाथ में कम्युनिकेशन रहा उन्होंने सत्ता बनाई है। अभी आप गांव में जाइए, वहां इंटरनेट खत्म किया जा रहा है और गांव गांव में टेलीविजन पहुंचाया जा रहा है। वहां चैनल चलता है, एक दो स्पेसिफिक चैनल, न्यूज चैनल जो सहायता गुणगान करता है, वही चैनल दिखाया जा रहा है लोगों को। सोशल मीडिया को डाउन किया जा रहा है, वो स्ट्रेटजी है। ये हमारे लोग के दिमाग में भरा जाता है, अरे तुम्हारी पार्टी नहीं जीतेगी, तुम्हारी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। अरे भाई वोट हमारा ज्यादा है, कांग्रेस बीजेपी के पास तो सिर्फ पैसा ज्यादा है, लेकिन वो हमारा वोट ले जाता है अखबार से और टीवी से। हम अखबार टीवी चला भी नहीं सकते हैं, सच्चाई है, झूठ नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं चला सकते हैं? क्योंकि हमारे बिजनेसमैन नहीं है। अखबार टीवी बिजनेस से चलता है, हमारे लोग बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन उसका एक दूसरा माध्यम है। संजोग से जैसे इंग्लैंड वालों ने हमारा कल्याण किया भारत में आकर, तभी ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब बन पाए, उसी तरह से सोशल मीडिया, जो भी फेसबुक बनाया है, जिसने सोशल ट्विटर बनाया है, जिसने यूट्यूब बनाया है, उनको थैंक्स बोलिए, उसकी वजह से हमारी आवाज पहुंच रही है। पहले रोज सहारनपुर होता था, रोज जुना होता था, रोज रोहित बेमूला होता था, किसी को पता नहीं चलता था, अब हमें पता चल रहा है। तो जो भी हमारे पास टूल है उसका इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात है, चाहे वो समोसा बेचने का बिजनेस हो या चप्पल बेचने का बिजनेस हो, हमें अपने घर से एक एक आदमी को बिजनेस में लगाना पड़ेगा। अगर हम लोग ये नहीं कर पाए, हम अपने बेटा को कंफर्ट जोन से नहीं निकाल पाए, आप लोगों को नहीं पता, मेरे माता पिता मजदूर हैं, मेरे घर में और कोई नहीं है, लेकिन मेरी माँ बकरी पाल के 3-4 लाख रुपए कमाती है, भैंस। मैंने कहा आप पैसा कमाइए, कब तक मजदूरी करेंगे? मेरे पिताजी और माताजी मिलकर कमा लेती हैं, मैं इधर पेट चला ले रहा हूं। और वो आज सम्मानजनक, उन्होंने अपना अच्छा घर बनाया, गीजर लगा हुआ है, एसी लगवाया है, मैंने पूरा वाटर सिस्टम सेटल किया है 10 लाख रुपए खर्चा करवा के, उन्हीं का कमाया हुआ पैसा कि अच्छी जिंदगी भी आपको चाहिए। गांव में कोई मजदूर ऐसी कल्पना नहीं कर सकता था। और हम सब तो, हमारा शहरीकरण नहीं हुआ, हम शहर में सबसे कम लोग हैं, 5% 7% लोग हैं। सोचिए 85% वाले लोग सिर्फ 5-7% शहर में है, हमारे 80% लोग गाँव में है, और जो 15% लोग हैं उसका मतलब समझिए 12% जो है वो शहरीकरण हो गया है। शहर में ऊंची ऊंची बिल्डिंग, ऊंची ऊंची सारी जमीनें, सारा बिजनेस, सारा जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी सब उन्हीं के हाथ में है। तो लड़ाई कठिन है, लेकिन एक ही तरीका है जीतने का, वोट। अगर हम अपनी सरकारें बना पाए,
कोई 100% नहीं होगा, थोड़ा खराब भी होगा ना जात, चूंकि देश में जाति है, अगर हमारे जात वाला सीएम पीएम होगा कुछ ना कुछ करेगा साहब। थाना में जाइए बिना जात देख के तो एफआईआर नहीं होता है, वो दरोगा जी अंदाजा लगा लेता है। सोचिए मुसलमानों के साथ क्या होता है जब हर थाने में हनुमान मंदिर बना हुआ है, मुसलमानों के लिए कितना मुश्किल है इस देश में जस्टिस मिलना। हम लोगों ने कम से कम बाबा साहब के नाम पर इस देश के शेड्यूल कास्ट में वो ताकत जरूर दिखाई है। अगर ओबीसी जिस तरह से जुड़ रहा है, वो जुड़ गया तो अगली सरकार तो हमारी होगी आज न कल, और सत्ता में आपको आना पड़ेगा और खूब राजनीति कीजिए, जम के खूब झूठ बोलिए। ये झूठ बोल बोल के क्या हाल कर रखा है लोगों ने। और जिस दिन हमारे समाज का कोई 1000 लूटने वाला आदमी मिल गया बैंक करो, उसको तो मैं फूल माला पहना के सम्मानित करूंगा। हमें जरूरत है ऐसे लोगों की भाई। हमारे लोग, मैं एकदम लिख के दे रहा हूं, हमारा जो 3-3 बार चीफ मिनिस्टर बना है, 4-4 बार चीफ मिनिस्टर बना है, उसकी 100 करोड़ से ज्यादा की औकात नहीं है। और सवर्णों का तो काउंसलर भी 500 करोड़ रुपया रखता है, क्योंकि उसको सिस्टम सपोर्ट करता है। इसलिए प्लीज आप लोग से गुजारिश है एक पत्रकार के तौर पे कि इनका टेलीविजन और अखबार का बायकॉट कीजिए और इंटरनेट का यूज कीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़िए, द संडे गार्डियन पढ़िए, पूरी दुनिया की वेबसाइट आज आपके लैपटॉप में है, आज वहां से पढ़िए, वहां से समझिए। ये सब मैं पत्रकार के नाते, मैंने 7-8 चैनलों में नौकरी की है, तमाम जो चैनल आप देखते हैं इंडिया टीवी से लेके जी न्यूज से लेके, और ये सब मैंने नौकरी की है, एबीपी न्यूज में किया, ये सब आपके खिलाफ है। ये जानबूझ के आपकी मार पिटाई की खबर दिखाता है, आपकी रैली नहीं दिखाता है। इसको कभी देखे नागपुर में कितने लोग जुड़ते हैं धम्म दिवस पर, दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर बाबा साहेब की जयंती पर कितने लोग जुड़ते हैं, ये भीमा को ये जान बूझ के नहीं दिखाता है। ये आपकी ये कुंभ दिखाएगा, छठ पूजा दिखाएगा, दुर्गा पूजा दिखाएगा, सरस्वती पूजा दिखाएगा, इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है। दुनिया को लगे कि अरे जब मर्सिडीज के डैशबोर्ड पर भगवान की मूर्ति होती है ना, तो हमारे दिमाग में जाता है कि भगवान की उससे कार है। तो ये सब स्ट्रैटेजी है, इसे बचिए। और आप लोगों से गुजारिश है कि अपने अपने घर से एक एक आदमी को आवारा छोड़िए। आवारा मतलब बिजनेस में ट्राई करो, फिल्म में ट्राई करो, स्पोर्ट्स ट्राई करो, कुछ अलग करो। सरकारी नौकरी लोगों ने रखी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हमें राजनीतिक रूप से वोट के लिहाज से एकजुट होना पड़ेगा। और अगर हम लोग नहीं हो पाए तो ऐसे सेमिनार करते रहिए, नतीजा नहीं आएगा, हम लोग ऐसे ही मारे जाते रहेंगे।